अरविंद केजरीवाल जी पिछले 20 दिन से तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें 30 साल से शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है। उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर पहुंचा हुआ है। आप दिल्ली और देश छोड़िए, आप दुनिया के किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि 300 के ऊपर का शुगर लेवल बिना इंसुलिन के कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इंसुलिन देने से मना कर दिया है। कह रहे हैं कि हम इंसुलिन नहीं देंगे, उनकी इंसुलिन रोक दी है। ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी जो आज की जा रही है। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवाई दी जाए, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन दिया जाए। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं, ये एक आम कैदी का भी अधिकार है कि अगर उसकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर मिलना चाहिए, अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसको दवाई मिलनी चाहिए। ये कैसी क्रूरता है भारतीय जनता पार्टी की कि आप एक डायबिटीज के मरीज को 300 के ऊपर शुगर लेवल पहुंचने पे उसकी इंसुलिन नहीं दे रहे हैं।